एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी लोगों का चक्रव्यूह ब्रेकर चैनल में। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने एमटीएस 2019 का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था। इसी साल के 8वें महीने में 13 दिन तक वो एग्ज़ाम टोटल चला था। उसका रिजल्ट अभी ही कुछ देर पहले पब्लिश हुआ, तो आइए हम जानते हैं इस वीडियो में कि उस रिजल्ट को हम कैसे चेक कर सकते हैं। देखिए, गूगल का पेज खुला हुआ है। गूगल में जैसे ही हम SSC टाइप करके सर्च करते हैं, सर्च करने के बाद हमारा ये पेज खुल जाता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का। यहाँ पे रिजल्ट, अप्लाई, आंसर की नोटिसेस, सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। चूँकि हमें MTS का रिजल्ट देखना है, तो हमें रिजल्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। रिजल्ट के ऑप्शन पे क्लिक करते हुए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का हमारा, देखिए ये पेज खुल चुका है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का। यहाँ पे देखिए जो लास्ट दिखा रहा है 25/10/2019 का दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे CGL पे क्लिक किया हुआ है। लेकिन MTS का रिजल्ट देखने के लिए हमें अदर्स पे यहाँ पे क्लिक करना होगा। अदर्स पे क्लिक करते ही यहाँ पे देख लीजिए 5/11/2019 का 4 नोटिस, रिजल्ट का नोटिस दिया हुआ है। और उसमें देखिए क्या लिखा है, पहला में लिखा हुआ है मल्टी टास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एग्जामिनेशन 2019 लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स ऑफ सेंट्रल रीजन इन रोल नंबर ऑर्डर इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 15 ईयर्स प्रोविजनली क्वालिफाइड फॉर अपियरिंग इन पेपर 2। यह है सेंट्रल रीजन का, यहाँ से हम इसका रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप सेंट्रल रीजन के हैं तो यहाँ से रिजल्ट डाउनलोड कीजिए और अपना रोल नंबर उसमें डाल के सर्च कर लीजिए कि आपका हुआ है या नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा लिस्ट सेंट्रल रीजन का इसमें दिया हुआ है। सेकेंड में है, सेम चीज़ है, लेकिन इसका रीजन क्या है, नॉर्थर्न रीजन है। नॉर्दर्न रीजन में अगर आप हैं तो यहाँ से क्लिक करके रिजल्ट डाउनलोड कीजिए। नेक्स्ट इसमें एक चीज़ दिया हुआ है, देख लीजिए, मल्टी टास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एग्जामिनेशन 2019 लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स ऑफ ऑल रीजन्स। देखिए इसमें ऑल रीजन्स का दिया हुआ है अदर देन सेंट्रल एंड नॉर्दर्न रीजन, यानी कि सेंट्रल और नॉर्थर्न रीजन का पहले से फर्स्ट और सेकेंड कॉलम में दे दिया गया है, इसलिए इसमें अदर देन सेंट्रल एंड नॉर्थर्न रीजन दिया गया है। इसमें ऑल रीजन का, सभी रीजन का दिया हुआ है, लेकिन इसका एज ग्रुप एक बटा हुआ है, 18 से लेकर 25 साल का एज ग्रुप है। यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड किया जा सकता है। थर्ड में, इसमें फोर्थ में जो कॉलम है, फोर्थ कॉलम में भी सारे रीजन का है, 18 से 27 साल का एज ग्रुप जिनका है। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स इन रोल नंबर ऑर्डर इन द एज ग्रुप 18 to 27 ईयर्स प्रोविजनली क्वालिफाइड फॉर अपियरिंग इन पेपर 2। यहां से क्लिक करके 28 से 27 साल वाले एज ग्रुप देख सकते हैं, यानी कि जिन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि 18 से 25 साल में आएंगे या 18 से 27 साल में, ये दोनों क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए और अपना रोल नंबर सर्च करके पता कर लीजिए कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करते रहिए। अगला वीडियो मैं इसके कट ऑफ पे बनाऊंगा, क्योंकि इस बार का जो कट ऑफ है बहुत ही अलग तरह से दिया गया है, एज ग्रुप के अकॉर्डिंगली कट ऑफ बनाया गया है, तो मैं आपको विस्तार से उसमें समझाऊँगा। थैंक यू।